नमस्कार दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 28 जुलाई 2021 का करंट अफेयर्स। 28 जुलाई में जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं वह मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, एक एक पॉइंट को, ठीक है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है। अगर हो सके तो अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो सबसे पहला सवाल है कि सुपर बीट नामक टेलीस्कोप का निर्माण कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी करेगा, ठीक है। वो करेगा नासा, ठीक है। नासा जो है सुपर बीट नामक टेलीस्कोप का निर्माण करेगा, ठीक है। सुपर बीट नामक टेलीस्कोप का निर्माण कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी करेगा, तो वो नासा करेगा। ये नासा जो है ये अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। कहाँ की है, तो अमेरिका की है, ठीक है। नासा का फुलफॉर्म क्या होता है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होता है, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का फुलफॉर्म होता है। और नासा का स्थापना हुआ था 1958 को, ठीक है। और बिल नेल्सन इसके अध्यक्ष हैं। कौन है, बिल नेल्सन इसके अध्यक्ष हैं। तो सुपर बीट नामक टेलीस्कोप का निर्माण कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी करेगा, तो नासा करेगा। नासा फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्थापना 1958 को, मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। और बिल नेल्सन जो है इसके अध्यक्ष है। किसके, तो नासा के। जिस तरह से अमेरिका का नासा होता है उसी तरह से इंडिया का क्या होता है, तो इसरो होता है। जापान का क्या होता है, जाक्सा, ठीक है। रूस का क्या होता है, तो कॉस्मोस, ठीक है ना। तो सुपर बीट नामक टेलीस्कोप का निर्माण कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी करेगा, तो वो करेगा नासा। नेक्स्ट है सेकंड नंबर है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में हिस्सा लेने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है, तो वो बनी है हेंड जाजा, ठीक है। हेंड जाजा जो है मात्र 12 साल की है, जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में हिस्सा लेने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन चुकी है। कितनी साल की है, 12 साल की है। और किस देश की है, तो ये है सीरिया देश की, ठीक है। किस देश की है, सीरिया देश की। और सबसे ज़्यादा उम्रदराज महिला कौन सी है, तो मैरी हाना, जो ऑस्ट्रेलिया देश की है और वो घुड़सवार करती है, ठीक है। और हेंड जाजा जो है ये टेनिस खिलाड़ी, कौन सा खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी। कितनी साल की है, तो 12 साल की, यानी कि 12 साल की टोक्यो ओलंपिक 2020 में हिस्सा लेने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई है हेंड जाजा, जो 12 साल की है, सीरिया देश की है और टेनिस खिलाड़ी है, ठीक है। हम बात करेंगे ओलंपिक के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला ओलंपिक कब खेला गया था, तो 1896 ईस्वी को। कहाँ खेला गया था, तो एथेंस यूनान में खेला गया था, ठीक है। कहाँ खेला गया था, एथेंस यूनान में। ओलंपिक में महिलाओं को कब शामिल किया गया था, ओलंपिक में महिलाओं को 1900 ईस्वी को शामिल किया गया था, ठीक है। कब शामिल किया गया था, 1900 ईस्वी को, ठीक है ना। तो ओलंपिक से सवाल क्या क्या बन सकता है, तो ओलंपिक का पहला खेल कब हुआ था, तो 1896 ईस्वी को। कहाँ हुआ था, तो एथेंस यूनान में। और महिलाओं को कब शामिल किया गया था, तो 1900 ईस्वी को, ठीक है। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में हिस्सा लेने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई है हेंड जाजा, जो 12 साल की हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं और सीरिया की रहने वाली है। और सबसे उम्रदराज कौन है, तो मैरी हाना, जो ऑस्ट्रेलिया देश की हैं और वो घुड़सवार है, ठीक है, घुड़सवारी करती हैं। नेक्स्ट है थ्री नंबर सवाल है कि कौन सा देश जोगा जोग नामक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा, तो वो लॉन्च करेगा बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश जो है जोगा जोग नामक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा, ठीक है। ये जोगा जोग जो है ये फेसबुक और व्हाट्सएप की तरह काम करेगा, ठीक है। फेसबुक और व्हाट्सएप की तरह जोगा जोग एक नामक सोशल मीडिया है, ये फेसबुक और व्हाट्सएप की तरह काम करेगा। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा कौन, तो ये बांग्लादेश लॉन्च करेगा, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश किस महाद्वीप में स्थित है, तो एशिया महाद्वीप में, ठीक है। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है। अगर हम बात करेंगे जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप, तो वो भी एशिया ही है। एशिया जो है क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है कौन, तो ऑस्ट्रेलिया। और जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है अंटार्कटिका, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो बिम्स्टेक का जो मुख्यालय है वो स्थित है बांग्लादेश में, ठीक है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तो शेख हसीना और अब्दुल हामिद बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। जब ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी जब दोनों मिक्स करती है, तो ये मेघना का निर्माण करती है। किस चीज़ का निर्माण करती है, मेघना का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बांग्लादेश जो है भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। कितने राज्यों के साथ, 5 राज्यों के साथ। तो सबसे ज़्यादा किसके साथ, तो सबसे ज़्यादा जो है ये पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। टोटल कितना करता है किलोमीटर, तो 4096 किलोमीटर बांग्लादेश जो है भारत के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य जो बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है, तो वह त्रिपुरा जो है बांग्लादेश का एक ऐसा, भारत का एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है।
तो कौन सा देश जोगा जोक नामक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? तो वो करेगा बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश का जानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब दोनों मिक्स करती है तो मेघना का निर्माण करती है। और बांग्लादेश जो है भारत में 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है, सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। टोटल राज्य कितने हैं? तो टोटल 5 राज्य के साथ सीमा साझा करता है बांग्लादेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। फोर नंबर है कि किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर संयंत्र स्थापित किया है? तो वो किया है इंडोनेशिया ने। ठीक है, इंडोनेशिया जो है सौर संयंत्र का स्थापित करने वाला सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा इंडोनेशिया में। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इंडोनेशिया के बारे में, तो इंडोनेशिया जो है ये एशिया महाद्वीप में है। कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। लेकिन इंडोनेशिया की सरकार ने, जकार्ता जो है तेजी से डूबने वाला शहर है समुद्र में, इसीलिए इंडोनेशिया राजधानी अब बोर्नियो द्वीप पर शिफ्ट करने वाला है। कौन सा द्वीप? बोर्नियो द्वीप। ठीक है, ध्यान रखना है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? तो जोको विडोडो जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आसियान का मुख्यालय स्थित है इंडोनेशिया में। आसियान में टोटल कितने देश आते हैं? तो आसियान में टोटल 10 देश आते हैं। ठीक है, तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? इंडोनेशियन रुपया। और इंडोनेशिया जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, तो किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर संयंत्र स्थापित किया है? तो वो किया है इंडोनेशिया ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फाइव नंबर है कि हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हुआ है? तो वो हुआ है स्वीडन। ठीक है, स्वीडन जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। ये शामिल होने वाला 121वां देश है। कौन सा देश है? 121वां देश, यानी कि टोटल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में टोटल कितने देश शामिल है? तो 121 देश शामिल है। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या है? तो देखिए, कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो भी देश आते हैं और उनके ऊपर डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो उसी को एनर्जी को इकट्ठा करने के लिए या फिर एकत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो वैसे 121 देश हैं जिनके डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में टोटल कितने देश है? 121 देश है। ठीक है, यानी कि हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो हुआ है स्वीडन। स्वीडन जो है यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। कौन सा महाद्वीप? यूरोप महाद्वीप। स्वीडन के जो प्रधानमंत्री है वो है स्टीफन लफवेन। कौन है? स्टीफन लफवेन जो है स्वीडन के प्रधानमंत्री हैं। और स्वीडन की जो मुद्रा है वह है स्वीडिश, और यहाँ पे स्वीडिश भाषा भी बोला जाता है। कौन सा भाषा? स्वीडिश भाषा। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। स्वीडिश स्वीडन की मुद्रा है। ठीक है, स्वीडन के प्रधानमंत्री कौन है? तो स्टीफन लफवेन स्वीडन के प्रधानमंत्री हैं। तो आप समझ गए कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा बीच में जो भी देश आते हैं उनके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है, तो उसी को एनर्जी को इकट्ठा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का निर्माण किया गया था। ठीक है, समझ गए हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर कि हाल ही में कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी बृहस्पति ग्रह पर रॉकेट भेजेगी? तो वो भेजेगी नासा। ठीक है, नासा जो है बृहस्पति ग्रह पर रॉकेट भेजने का काम करेगी। देखिए, हाल फिलहाल ही नासा ने स्पेसएक्स के साथ समझौता किया था और बृहस्पति ग्रह पर रॉकेट भेजने की तैयारी में लग चुका है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे बृहस्पति ग्रह के बारे में, तो सबसे बड़ा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह है बुध। ठीक है, बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। और कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, बृहस्पति का उपग्रह है। ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का कौन सा है? तो वो है गैनीमेड। ठीक है, मंगल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो मंगल ग्रह के नाम से, सॉरी, सवाल ये भी बन सकता है कि किस ग्रह को गर्म ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो शुक्र ग्रह को गर्म ग्रह कहा जाता है, बृहस्पति को सबसे बड़ा, सबसे छोटा है बुध, और सूर्य का परिक्रमा जो है सबसे ज़्यादा कौन जल्दी कर देता है? तो वो बुध कर देता है। ठीक है, यानी कि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है।
ठीक है। तो हाल ही में कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी बृहस्पति ग्रह पर रॉकेट भेजेगी? तो नासा। हम बात करेंगे नासा। नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? 1958 को, ठीक है। इसका जो मुख्यालय स्थित है अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में स्थित है। और नासा के अध्यक्ष कौन है? तो बिल नेल्सन जो है नासा के अध्यक्ष हैं, ठीक है। जिस तरह से अमेरिका का नासा होता है उसी तरह से इंडिया का इसरो होता है, जापान का जैक्सा और रूस का कॉस्मोस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सेवन नंबर है कि ग्रेटर सोहरा जलपूर्ति योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? तो वो शुरू की है मेघालय की सरकार ने, ठीक है। मेघालय की सरकार ने ग्रेटर सोहरा जलपूर्ति योजना को शुरू किया है। ये ग्रेटर जलपूर्ति योजना जो है ये उद्घाटन किसने किया था? तो गृह मंत्री अमित शाह ने और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने इसका उद्घाटन किया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो नल से स्वच्छ पानी पहुंचाना, ठीक है, नल के द्वारा, ठीक है, स्वच्छ पानी को पहुंचाना ही इसका लक्ष्य है। तो ग्रेटर सोहरा जलपूर्ति योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो मेघालय की सरकार ने, ठीक है। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा और सत्यपाल मलिक जो है मेघालय के राज्यपाल है, ठीक है। इतना पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है इस सवाल से। नेक्स्ट है 8 नंबर कि तेलंगाना के किस मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो रुद्रेश्वर मंदिर को, ठीक है। रुद्रेश्वर मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में सूची में शामिल किया गया है, यानी कि तेलंगाना के एक मंदिर है जिसको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1945 को, ठीक है। इसका जो यूनेस्को का जो मुख्यालय स्थित है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है, ठीक है। तो तेलंगाना की अगर हम बात करेंगे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? तो के चंद्रशेखर राव और तमिलसाई सौंदरराजन जो है तेलंगाना के राज्यपाल है। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीट है, ठीक है। और तेलंगाना जो है 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तेलंगाना में 33 जिला है। कितना जिला है? 33 जिला, ठीक है। तेलंगाना का स्थापना कब हुआ था? 2 जून 2014 को, ठीक है। 2 जून 2014 को तेलंगाना का स्थापना हुआ था। तो तेलंगाना के किस मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो रुद्रेश्वर मंदिर को, ठीक है। यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तेलंगाना का स्थापना कब हुआ था? 2 जून 2014 को। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है वर्तमान में और राज्यपाल है डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन, ठीक है। तेलंगाना में कितने लोकसभा सीट है? तो तेलंगाना में 17 लोकसभा सीट है। और तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद में ही हुसैन सागर झील स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर। तो 9 नंबर है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने, ठीक है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हाल फिलहाल में इस्तीफा दिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन था? तो BS येदियुरप्पा जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने हाल फिलहाल में ही मुख्यमंत्री के से इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने 2 साल तक अपना काम किया था, यानी कार्यभार संभाला था मुख्यमंत्री के तौर पर। कितने साल? तो 2 साल। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? तो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो है BS येदियुरप्पा। अगर हम बात करेंगे कर्नाटक के राज्यपाल के बारे में, तो कर्नाटक के राज्यपाल है बज्जू भाई वाला, ठीक है। देखिए कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। और बेंगलुरु में ही इसरो का मुख्यालय स्थित है। तो इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1969 को। इसके जो अध्यक्ष है वो है K.शिवन। कौन है? K.शिवन इसरो के अध्यक्ष है। तो सवाल था कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने इस्तीफा दिया। इन्होंने 2 साल तक कार्यभार किया था। और कर्नाटक के जो वर्तमान में राज्यपाल है वो है बज्जू भाई वाला, ठीक है। देखिए कर्नाटक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? तो अभी यह राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट, जैसे कि कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, तुम्हगरा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, नागरहो राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक का एक गांव है मथुर, जो वहाँ पर सिर्फ संस्कृत भाषा बोली जाती है, ठीक है। कौन सा गांव है? मथुर, जो भारत का एकमात्र गांव है जहाँ संस्कृत भाषा बोली जाती है, ठीक है। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुआ था? 1969 को। अध्यक्ष कौन है? तो K.शिवन, ठीक है। नेक्स्ट 10 नंबर कि हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? तो ये 26 जुलाई को, ठीक है। 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में मनाया गया है। देखिए 26 जुलाई 1999 ईस्वी को
भारत और पाकिस्तान के बीच विजय हुआ था, जिसमें लड़ाई हो रहा था पहले से भी, ठीक है, लेकिन 26 जुलाई 1999 को विजय प्राप्त किया था, इसीलिए 26 जुलाई को ही विजय दिवस के रूप में यानी कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था लद्दाख की राजधानी कारगिल में ही, यानी लद्दाख में दो जिला है, कौन कौन सा है, एक लेह और एक कारगिल, तो कारगिल में ही युद्ध हुआ था, चार जगह युद्ध हुआ था, ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में। तो कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, 26 जुलाई 1999 को, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर कि किस राज्य की पुलिस ने लड़की या महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल 40 दस्ते का गठन किया है, तो ये किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने, ठीक है, मध्य प्रदेश की सरकार ने इंदौर में महिलाओं या लड़कियों की सुरक्षा के लिए स्पेशल 40 दस्ते का गठन किया है। ये लड़की या महिलाओं की सुरक्षा के लिए किया गया है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखा गया है यौन शोषण का, ठीक है, यानी कि सेक्स से रिलेटेड जो भी बातें होगी, ठीक है, जो भी मैटर होगा उसको ज़्यादा इस पर फोकस किया जाएगा, यानी लड़कियों या महिलाओं की सुरक्षा के लिए इसने इतना ध्यान रखिए कि लड़की या महिलाओं की जो भी सुरक्षा होगा उसके लिए स्पेशल 40 दस्ते का गठन किया गया है। तो मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा कहाँ किया गया है, मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल, ठीक है। भोपाल गैस कांड हुआ था कब, 1984 को, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसाव हुआ था, ठीक है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान और छगन भाई मंगू भाई मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है, तो मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट है, और सबसे ज़्यादा बाघ जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा वन ये भी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में ही स्थित है, ठीक है ना। तो किस राज्य की पुलिस ने लड़की या महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल 40 दस्ते का गठन किया है, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर सवाल कि IOA, ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता एथलीट के कोच को कितने रुपए नकद पुरस्कार की घोषणा किया है, 12.5 लाख रुपये। देखिए जो भी विजेता जो होगा, ठीक है, एथलीट जो भी विजेता होगा उसके कोच को दिया जाएगा कितना रुपया, तो 12.5 लाख रुपये, ठीक है, ये भी याद रखना है। यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने ओलंपिक स्वर्ण पदक, यहाँ पे देखिए स्वर्ण पदक यानी सिल्वर की बात कर रहा है, स्वर्ण पदक विजेता एथलीट को के कोच को 12.5 लाख रुपये पुरस्कार की घोषणा किया है। यहाँ पे किया है स्वर्ण पदक यानी गोल्ड के लिए 12.5 लाख रुपये, सिल्वर के लिए 10 लाख रुपये और ब्रॉन्ज मेडल के लिए 7.5 लाख रुपये, ठीक है, इसके लिए घोषणा किया है कोच को देने के लिए, ठीक है ना। तो ये किसके द्वारा किया गया है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का द्वारा। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता एथलीट के कोच को कितने रुपये नकद देगी, 12.5 लाख रुपये, किसमें देगी, तो गोल्ड में, सिल्वर में 10 लाख और ब्रॉन्ज मेडल में 7.5 लाख रुपये, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज 28 जुलाई 2021 का करंट अफेयर्स, तो मैंने पूरा डिस्कस कर दिया है, ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के पास। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।